पुलिस 3:30 बजे रात में जाती है और पूरे घर को घेरा डालती है, 15 से 20 पुलिस प्रत्येक घर में, और उनको सीधे आवाज करते हैं, और आवाज करने के बाद वो जब वो जैसे बाहर आते हैं और ऐसे उनको उसी स्थिति में पकड़ करके थाने ले जाते हैं, और पूरे दिन भर मैंने थाने में बैठाई जाती है और पेड़ कटिंग होता है। हमारे बासन का जो सरपंच है उनको अभी ठंड का मौसम है, दिल्ली में जैसे ठंड है वैसे ही हमारे हरदेव की जो इलाका है वहाँ भी अच्छा ठंड पड़ता है, मात्र जो बासन की सरपंच है श्रीपाल बोलते हैं वो गमछा कोई रात में सोएगा तो सरपंच पहन कर तो नहीं जैसे सोते हैं ऐसे, मात्र गमछा को लपेट करके बाहर निकले, दरवाजे को खोले और चप्पल भी उनके पैर में नहीं पहने थे, और पुलिस जैसे उनको आवाज दिया बाहर निकलते हैं और उनको दोनों हाथ को पकड़े और बोले कि चलिए सीआई मैडम बुला रही हैं और वहीं आपको जाना है। उनको न चप्पल पहनने दिए, न कोई गर्मी कपड़ा पहनने दिए, न शर्ट पैंट पहनने दिए, और ऐसे ही उनको थाने में ले गए। और जब वहां जाकर के हमारे सरपंच बोलते हैं कि भाई मुझे ये लोग बिना कपड़ा के सही ले आए हैं, और अभी भी तो टीआई मैडम वहां से उनके लिए कपड़ा खरीद भी लेकिन न घरे आने दिए न कुछ नहीं, उनकी सारी बातों को नहीं सुना गया। तो इस प्रकार से जो हमारे हरदेव को लड़ने वाले जो साथी है उनके साथ बर्बरता पूर्वक जो सरकार और जो पुलिस प्रशासन जो कर रही है तो बहुत दुखद है। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वास्तविक में हम आदिवासी हैं, जंगल का जो क्षेत्र है वहां हम रहते हैं, तो बात ये नहीं है कि हम एक अंधे कानून पे चलते हैं, हमारे लिए भी वहां संवैधानिक कानून है, हम भी विकास को भी समझते हैं, सारी चीज को भी समझते हैं, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया जाता है और जंगल को कटवाई जाती है, अन्याय पुलिस के द्वारा हमारे साथ किया जाता है, कई साथी 7 लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज करके रखे हैं जो हरदेव को बचाने वाले जो साथी हैं उनके ऊपर, और जब कभी भी ऐसे स्थिति आता है कि पेड़ कटिंग होना है तो उनके घर में पुलिस की टीम पहुंचती है और बोलती है कि आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप कुछ बोलोगे तो सीधे जेल में डालेंगे, ऐसे करके हर समय धमकाने का काम वहां चलता रहता है। और जब अभी हमारे जो 7 लोगों को उठा करके पुलिस ले गई, जब पुलिस के SP और IG है उनसे हमारे साथी बात करने की कोशिश किए कि भाई उनको आप उठा करके क्यों लाए थे, तो उनका कहना है नहीं उनकी पूछताछ करना था, पूछताछ कुछ नहीं होता है, जो FIR दर्ज जो लोग फर्जी तरीके से करते हैं वो डरवाने और धमकाने के लिए, वहाँ कोई पूछताछ नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको बैठा दिया जाता है क्योंकि उनको हमारे जंगल में उनको खदान के लिए पेड़ काटना है। तो ऐसे जो स्थिति हम लोगों का जो उद्योग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बनाया गया है, और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय ना हो, हमारे हरदेव की जो इलाका है पूरे जीव जंतु आदिवासियों का रहवास क्षेत्र है, हरदेव नदी का कैचमेंट एरिया है, वो मैंने एक झूठी विकास के लिए खत्म ना किया जाए, और उसके लिए लगातार हम पूरे देशवासियों से क्षेत्रवासियों से अपील कर रहे हैं। और मैं अभी भी अपील करना चाहूंगा कि हरदेव को अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे जो भविष्य होगा वो बहुत ही नुकसान होने वाला है, जो पर्यावरण की स्थिति में हमारे जो संवैधानिक रूप से ग्राम सभा है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो जंतु है उसकी आवास है उसको खत्म किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों को अगर देख करके हम आगे इस क्षेत्र को नहीं बचाएंगे तो कानून पर भी विश्वास लोग नहीं करेंगे, ऐसे हम लोगों को लगता है। जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।